वालेकुम नाजरीन मैं हूँ आपका मेज़बान काजी शफीक आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट का स्पेशल शो स्पोर्ट्स जोन आज के इस शुमारे में हम जिस प्रोमिनट क्रिकेटर को आपसे रूबरू कराना चाहते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अहमद उमर बाने साहब की बाने साहब क्रिकेट खेलने का रझान आपको कब से पैदा हो गया जी बिल्कुल काफ़ी टाइम है पाँच छः साल का होगा जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो एक्चुअली घर में ही सारे लोग क्रिकेट खेलते थे मेरे मामू और आ, मेरे डैड भी क्रिकेट खेलते थे तो उनकी वजह से क्रिकेट का माहौल घर में पहले से ही था जिसकी वजह से मैं भी क्रिकेट में इन्वॉल्व पहले से ही रहा अगर आप आपके इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जिस वक्त आपका इंक्लूजन हुआ तो उस वक्त आपने अपने लाइफ में क्या महसूस किया मैंने सबसे पहले डेब्यू स्टेट के लिए 2008 में किया था अंडर 16 टूर्नामेंट में तो वहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से मैंने पहली बार स्टेट खेला उसके बाद वहाँ परफॉर्म करके अंडर 19 फिर ऐसे आगे आगे चलता गया और फिर जूनियर में परफॉर्म करके रणजी ट्रॉफी में कॉल अप आया 2013 में टू थाउजेंड में मेरा डेब्यू हुआ है अगेंस्ट डेली लेस्ट ए मैच में तो वहाँ से शुरुआत हुई है ऐसे अंडर 16 से फिर आगे चलता गया सारा कुछ जब आपका डेब्यू हुआ तो आपने डेब्यू में आपने बेहतरीन शुरुआत की दिल्ली के ख़िलाफ़ आप आपने हाफ़ सेंचुरी की उसके बाद आपने हरियाणा के खिलाफ भी हाफ सेंचुरी की तो कितना हाथ में एतमाद बाल हुआ जब बैक टू बैक आपने हाफ सेंचरीज स्कोर की जी बिल्कुल जब कोई लड़का जूनियर से आता है अंडर 19 से खेल के आता है वहाँ परफॉर्म करके आता है तो सीनियर क्रिकेट में पहले ही मैच में 50 स्कोर करना काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आया और वहाँ पे लगा कि नहीं क्रिकेट आगे खेल सकते हैं अच्छा परफॉर्म भी हो रहा था तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है जब एक छोटा लड़का आता है सीनियर टीम में और वहाँ पर परफॉर्म करता है तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है इंसान को और उससे मोटिवेट हो जाता है इंसान आगे भी खेलने के लिए और वहीं से ये सारा कुछ चलता रहा फिर सबसे तो पहला ब्रेक थ्रू मैं आपको बोलूँगा जो टर्निंग पॉइंट था वो हमारा अंडर नाइनटीन का टूर्नामेंट चल रहा था इंटर स्कूल दो में जिसमें मैंने दो रन बनाए थे टू नॉट आउट तो वो मेरा ब्रेक थ्रू था जहाँ से लोगों ने रिकगनाइज़ करना स्टार्ट किया और वहीं से सारा कुछ काफ़ी चेंज मेरे को लगा के आया काफ़ी मैं अच्छा खेलने लगा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था और उस वजह से काफ़ी लोग रिकगनाइज करने लगे कि कोई लड़का है जो अपकमिंग है तो वो चीज़ थी जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रह चुकी है अहमद बाड़े को लोगों ने वीरेंद्र सहवाग के नाम से मनसूब किया क्योंकि आप इस तरह के ओपनिंग बैट्समैन निकले जम्मू कश्मीर के लिए लोग आपको वीरेंद्र सहवाग के नाम से जानने लगे तो ये जो टैग लग गया आपका वीरेंद्र सहवाग का जैसे मोयनाज क्रिकेटर है वर्ल्ड के तो कैसा फील कर रहे हैं आप जी बिल्कुल वो तो इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स रह चुके हैं एंड अगर कोई लोग समझते हैं कि मैं आ, उस एग्रेसिव मोड में बैटिंग करता हूं तो काफी अच्छा फील होता है और एक प्लेयर के लिए किसी बहुत बड़े प्लेयर के साथ रिकनाइज होना काफी अच्छा फील होता है तो वो फीलिंग हमेशा अच्छी रहती है एक बेहतरीन नॉक ऑफ ने खेला डबल सेंचुरी आपने स्कोर की आप, आप उस वक्त कश्मीर के वाहिद आ, खिलाड़ी बन गए जिन्होंने दो सौ चौदह रनों का एक जबरदस्त नाक खेला उस इनिंग को लेकर जहन में क्या ख्याल रहे उस वक्त जी बिल्कुल वो आ, वो इनिंग बहुत स्पेशल है मेरे लिए एंड वो मैंने अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश स्कोर किया था 214 रन्स तो मेरा उस इनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था कि मैं विकेट पर स्टे करूं एंड अपने पोटेंशियल पे खेलूं जो कि उस टाइम पे काफ़ी हेल्प किया मेरे को और उस वजह से काफ़ी लंबा स्कोर भी हम स्कोर कर पाए तो वो वो मेरे करियर का वन ऑफ़ द स्पेशल नॉक्स एंड वन ऑफ माय फेवरेट नॉक्स जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट मिलता है तो वो वो नॉक डेफिनेटली वन ऑफ द स्पेशल नॉक्स है मेरे लाइफ में मोहाली क्रिकेट जोन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा जब आप मोहाली क्रिकेट जोन में अकेडमी में आए तो उस वक्त किन लोगों ने आपके साथ वहाँ आके काम किया जी बिल्कुल वो हमारे अंडर 19 का जोन कैंप लगा हुआ था मोहाली में तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे थे युवराज सिंह हो गए मनप्रीत गोनी हो गए जो पंजाब से बिलोंग करते हैं तो उनके साथ भी वहाँ पे काफ़ी इंटरेक्शन करने को मिला तो काफ़ी अच्छा लगा और वो वो कैंप एक्चुअली जूनियर लेवल पर काफ़ी आपको हेल्प करता है आगे का क्रिकेट खेलने के लिए तो उन वो कैम्प मैंने दो बार अटेंड किया है तो उस कैंप के बारे में काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं और काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उस कैंप में बणी साहब दो में जब आपको काउंटी जाने का मौका मिला आप इंग्लैंड गए वहाँ आपने काउंटी क्लब का वहाँ आपने एक काउंटी क्लब के साथ आपने एक माहा कर लिया वहाँ पर छोटा सा सादा था वो तो वहाँ पर की वहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस मिली जो क्रिकेट आपने वहाँ पर खेली उस एक्सपीरियंस को लेकर जब आप यहाँ अपने वतन वापस पहुँच गई तो उस एक्सपीरियंस को आपने किस तरह शेयर किया यहाँ अपने खिलाड़ियों के साथ जी बिल्कुल एक इंग्लैंड जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन होते हैं एक बैट्समैन के लिए स्कोर करने के लिए तो वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा डिफरेंट कंडीशंस थे खेलने के लिए इंसान को अपने स्किल्स बेटर करने का मौका मिलता है वहाँ पे तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा वो मेरा वहाँ पे चार महीने का कॉन्ट्रैक्ट था क्लब के साथ तो चार महीने काफ़ी अच्छा रहा काफ़ी सीखने को मिला और जब वापस भी आया तो इंसान को काफ़ी नॉलेज मिलती है कि डिफरेंट कंडीशन में कैसे खेलें कैसे परफॉर्म करें तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रही मेरे करियर के लिए काउंटी में किन बरतानिया के खिलाड़ियों के साथ आपकी मुलाकात हुई जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं बरतानिया के खिलाड़ी उनमें से अगर आप एक आद का नाम लेंगे तो ये जो हमारे शायक हैं ये जो हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं कि बान्डे साहब ने वहाँ किन खिलाड़ियों का सहारा लिया और किन के साथ इनकी मुलाकात हुई कितना एक्सपीरियंस रहा वहाँ जी वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे एक बार इंटरनेशनल प्लेयर वो क्रिस वोक्स है जो मैनचेस्टर से बिलोंग करते हैं तो वो एक बार आए थे वहाँ पे उनसे इंटरेक्शन हुआ तो यूजुअली जब वहाँ पे वो सीज़न चलता है उनका इंटरनेशनल ड्यूटीज़ होती हैं तो वो प्लेयर्स मोस्टली इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं तो बाकी जितने जैसे लोकल प्लेयर्स हैं जैसे हमारे इंडिया में रणजी ट्रॉफ़ी के टाइम पर जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है वो खेलते हैं वैसे वो काउंटी प्लेयर्स वहाँ पर काउंटी के टाइम काउंटी खेलते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला लेकिन एक आधा प्लेयर क्रिस वोक्स आए थे तो उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला और हमारे आ, हमारे लीग में वसीम जाफर भाई जो खेल रहे थे सेम लीग में तो उनसे इंटरेक्शन का मौका मेरे को इंग्लैंड में मिला था तो उनसे काफ़ी बातचीत करने का मौका मिला वहाँ जो जितने भी फैसिलिटीज़ है यहाँ यहाँ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे या पूरे इंडिया की बात करेंगे तो जब आप वहाँ गए आपको कितना डिफरेंस लगा यहाँ के और इंग्लैंड के माहौल में जी बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी वहाँ पे अगर आप बेसिक लोकल क्लब भी देखेंगे उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और uh, उस वजह से जो वहाँ के जो जूनियर लड़के हैं अंडर 14 अंडर 12 के लड़के उनको पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ मिलती है जिसकी वजह से उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है खेलने के लिए तो वो चीज़ है जो मेरे को लगी कि जो लैकिंग है थोड़ी हमारे आ, इंडिया में और इस्पेशली कश्मीर में क्योंकि उतना अच्छा बेसिक लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है भाडी साहब अगर आपके लिस्ट ए की बात करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर की आपकी बात करेंगे तो आपने 20 मैचों की 35 इनिंग में, में नौ रन बनाए 27 आपका औसत रहा जिनमें से चार हाफ सेंचुरीज और दो शतक भी शामिल हैं क्या हुआ कि सिलेक्ट जो कौमी सिलेक्टर हैं उनका एतमाद आप पर नहीं आया जी बिल्कुल मतलब मेरे ख्याल में अगर इंडिया के लिए या ऊपर वाली क्रिकेट के लिए खेलना है तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है तो जब आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तब जाके आपका कॉल अप आएगा आप ऊपर वाली लेवल खेल सकते हैं तो अलहमदल परफॉर्मेंस अच्छी रही है लेकिन एक प्लेयर जो है वो हमेशा चाहता है कि बेटर परफॉर्मेंस हो तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना आपका नाम ऊपर आएगा बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ आप बेहतरीन फील्डर भी हो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो अभी तक सिर्फ तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जो आई में आ गए जैसे रिसेंटली समद आ गया उससे पहले आ, मंजूर पांडो मंजूर पांडे से पहले परवेज़ रसूल क्या आप इस चीज़ को मिस नहीं कर रहे हो कि अहमद बाडे जैसा प्रोमिनंट ओपनिंग बैट्समैन वादी कश्मीर का जिन्होंने बहुत सारे कोमी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अपनी धाक भी बिठा ली तो क्या हुआ कि अब तक आज आप आई में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जी बिल्कुल हर एक प्लेयर का एक एम होता है कि वो ऊपर वाला क्रिकेट खेले हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेले और एक प्लेयर वही है जो कंटिन्यूसली अपनी मेहनत करता रहे एंड जब आ, आप उतना अच्छा वहाँ तक पहुँच पाएंगे तो आप ज़रूर पहुँचेंगे ऐसे प्लेयर को कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इतने सारे प्लेयर गए हैं तो आप भी जाने चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक प्लेयर के करियर में कि वो कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहे एंड उसका रिजल्ट भी आएगा एंड उसका रिजल्ट आने के बाद आप ऊपर वाला क्रिकेट भी अच्छे से खेल सकते हैं यहाँ आज तक आपने अपने लेवल पर यह कोशिश क्यों नहीं की जो हम जो पूरा यूथ लैक कर रहा है क्या आप बडे साहब एक अपनी एकेडमी यहाँ पर बनाते जो यहाँ का यूथ है उनको भी मौका मिलता आगे आने का जी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हमारे जो कंडीशन है वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं तो एक एक एकेडमी का वेंचर स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ता है तो इनशाला जब मौका हो और जब इनशाला सोचें इस बारे में तो ज़रूर हम चाहेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिले अगर कोई प्लेयर से फ़ायदा मिलता है एकेडमी से फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर वो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे यंगस्टर्स के लिए और एकेडमी जैसी चीज़ कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सबसे बेसिक चीज़ जो कर रही है वो अकेडमीज़ है यंगस्टर्स के लिए अंडर फोर्टीन अंडर ट्वेल्व के लड़के अंडर सिक्सटीन के लड़के उनको अगर अकेडमी मिलती है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा तो इन देखते हैं आगे जाके क्या रहता है एंड एकेडमी uh, भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है अगर uh, कोई प्लेयर स्टार्ट करे या कोई सीनियर लड़का स्टार्ट करे जैसे जूनियर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है सोफर so आपकी जो कौमी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन रही जो परफॉर्मेंस आपने वहाँ दिखाया जिस तरह की आपने बल्लेबाजी वहाँ पर की अपनी परफॉर्मेंस से अब तक आप बिल्कुल मुतमिन हो जी मेरे कहने मेरे ख्याल में एक प्लेयर कभी साटिस्फाइड नहीं होना चाहिए अपने जितने भी चाहे वो कितने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे कितने भी अच्छे सक्सेस पे पहुंचे वो हमेशा सेटिसफाइड अगर रहेगा तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है तो एक बेहतरीन प्लेयर और एक अच्छा एथलीट वही है जो हमेशा चाहे कि वो जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उससे और बेहतर परफॉर्म करे तो इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे अभी इंडिया में विराट कोहली हैं वो इतने कंसिस्टेंट है लेकिन फिर भी वो कभी नहीं बोलते हैं कि वो सेटिसफाइड है वो हमेशा बोलते हैं कि और अच्छा परफॉर्म करना है और बेटर करना है तो वो एक क्वालिटी है प्लेयर में जो होनी चाहिए जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी यही सोचता हूँ कि जितनी भी परफॉर्मेंस हो इंसान हमेशा सोचना चाहिए कि और बेटर परफॉर्म हो सके जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट को फरोग देने के लिए जो कुछ भी कर रहा है क्या बडे साहब वो उनकी जो कोशिशें रहती है उनसे आप मुतमिन हो जी अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, अलग डिस्ट्रिक्ट्स का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो अगर ऐसे टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है प्लेयर्स के लिए जिससे उनमें मैचेस खेलने का मौका मिले फोटी ओवर टूर्नामेंट स्टार्ट किया है ऐसे टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे तो प्लेयर्स को हमेशा फ़ायदा ही रहेगा उससे ऐसा कौन सा कौमी खिलाड़ी है जिसने बॉडे साहब को खासा इंप्रेस किया मेरा ऑल टाइम फेवरेट अगर देखें तो विराट कोहली है आ, जो कि मतलब उनकी कंसिस्टेंसी उनका फ़िटनेस को लेकर एटीट्यूड जो कि बहुत इंस्पायरिंग है और उससे इंसान बहुत इंस्पायर होता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे वो इतनी ऊपर वाली लेवल पर खेल रहे हैं अगर प्लेयर उसको फॉलो करे तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्क भी करेंगे और सक्सेस भी उनको काफ़ी मिल सकती है जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जिसको देखकर आपको बहुत सीख भी मिली आपने क्रिकेट सीखा भी और अब तक वो बिल्कुल आपकी नजरों में उसको एक रेस्पेक्ट मिल रही है जी बिल्कुल हमारे स्टेट से जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर परवे रसूल हैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर होते हैं लोग क्योंकि वो उनने आ, हमारे स्टेट से पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो उतनी ऊपर वाली लेवल पे खेले और कंसस्टेंसली कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते जा रहे हैं रणजी ट्रॉफी में तो वो देख के इंसान काफ़ी इंस्पायर होता है और हमेशा जब आपके आपके ड्रेसिंग रूम में ऐसा प्लेयर हो जो आपको इंस्पायर करे जो आपको मोटिवेट करे अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो इंसान के लिए काफ़ी अच्छा रहता है आज भी अगर हम अपने प्ले ग्राउंड्स की बात करेंगे बिल्कुल खस्ता हालत में पड़े हुए हैं इवन प्ले ग्राउंड भी खस्ता हालत में पड़े हुए हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो जी बिल्कुल ये एक प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो उनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले खेलने के लिए जैसे हम कश्मीर में देखते हैं हमें अवेलेबल ऑफ ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं मतलब मेरे ख्याल में मैंने इंडिया में इतने ग्राउंड्स नहीं देखे हैं जो इतने अवेलेबल रहेंगे जहाँ पे आप मैचेस खेल सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन वही एक चीज़ है कि यहाँ पे मैट क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल में वो बिल्कुल इट्स पॉइंटलेस कि अगर आप मैट क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि आपको आगे जाके टर्फ पर खेलना है आपको अच्छे लेवल पर टर्फ भी मिलेगी खेलने के लिए तो मैट क्रिकेट मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई अच्छी चीज़ नहीं है एक प्लेयर के लिए तो हमें यही करना चाहिए जैसे अभी आप लोकल बॉडीज़ का देखें ईदगाह में हो गया गनी मेमोरियल स्टेडियम हो गया या और दो तीन जगहें हैं हमारे निषात में यहाँ पे काफ़ी अच्छे टर्फ विकेट्स बनाए हैं तो ऐसे अगर टर्फ विकेट्स लोकल बॉडीज़ बनाए और उस पर मैचज़ कराए तो वो यूथ के लिए और स्पेशली जूनियर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वो अच्छे लेवल पर खेल पाएंगे और उनको आइडिया मिलेगा कि टर्फ क्रिकेट कितना डिफरेंट है कम्पेयर टू मैट क्रिकेट भारत की अगर हम बात करेंगे तो कौन से विकेट पे आपको ज्यादा मजा आया जहाँ आपने बैटिंग भी अच्छी पी और जहाँ आपको लगा नहीं जी ये विकेट मेरे लिए सूटेबल है जी बिल्कुल आ, हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में वन डेज हुए थे आ, हैदराबाद में जो कि जहाँ की मेरे को विकेट्स बहुत अच्छी लगी बैटिंग के लिए फास्ट विकेट्स हैं बाउंसी विकेट्स हैं तो एक बैट्समैन चाहता है कि फास्ट विकेट हो बाउंसी विकेट हो जहाँ पे स्कोर करना अच्छा लगे एंड सेकेंड मेरा फेवरेट रहेगा राजस्थान का ग्राउंड जहाँ पे मैंने हंड्रेड स्कोर किया था अगेंस्ट राजस्थान वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड है बिकॉज वो हमेशा एक कंटेस्टिंग uh, विकेट रहता है बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी वनडे साहब अपने खेल को किस तरह इन्जॉय करते बिल्कुल ज़्यादा सोचने की जरूरत <laughs> मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा uh, कि ऐसे करना है ऐसे करना है एक पर्टिकुलर डे पे जब बैटिंग आती है जो कंडीशन होती हैं उस हिसाब से प्लान करके जाता हूँ तो कोई ऐसा प्री प्लान नहीं होता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है अनड्यू प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यंगस्टर्स को भी यही बोलूंगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने पे बिलीफ रखें अपने पोटेंशियल पे खेलें तो आप इनशाला आप अच्छा परफॉर्म करेंगे कोविड नाइन्टीन में किस तरह आपने आपको एंगेज रखा जी बिल्कुल कोविड तो पिछले सात महीनों से बिल्कुल घर पर ही बैठे हुए हैं तो फिटनेस का ख्याल रखना पड़ा उसके लिए थोड़ा जिम से इक्विपमेंट लाना पड़ा तो वो लेके आए फ़िटनेस का ख्याल रखा मेरे यहाँ पे घर पे नैट्स हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही थी कंटिन्यू तो ये चीज़ें थे जो कोविड में हमें करनी पड़ी यूजुअली वरना मैं घर पे रहता नहीं हूँ इतने टाइम मैं बैंगलोर जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं कश्मीर में रुका हूँ पाँच छः महीने इन अ स्ट्रेच और उसकी वजह से घर पर प्रैक्टिस घर पर जिम वग़ैरह करना पड़ा आगे क्या गोल आपने सेट करके रखा है किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है और आगे आपका प्लान क्या है जी बिल्कुल प्रिपरेशन हमेशा नेशनल टूर्नामेंट्स तक चलती है इंसान की और मेरी भी वैसी प्रिपरेशन चल रही है नेशनल टूर्नामेंट से पहले एंड नेशनल टूर्नामेंट्स आते ही वो प्रिपरेशन जो साल भर की है उसको फुलफिल करने के लिए अच्छा परफॉर्म करना वही एक प्लान होता है एक प्लेयर का मेरा भी वैसा ही प्लान है कि नेशनल मैचेस आएंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने स्टेट को अपनी टीम को अच्छा फ़ायदा पहुँचाएँगे क्या बॉडे साहब की नज़र इन चीज़ों पर रहती है कि रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ लिस्ट आए हैं अंडर 16 और अंडर 19 के लिए जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए क्या बाणी साहब की नज़र इन सब चीज़ों पर रहती है कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नया लड़का आया है इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सेलेक्ट हुआ कौन सेलेक्ट नहीं हुआ अगर जब तक मैं एज प्लेयर खेल रहा हूँ मैं खाली उन चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूँ जो रिलेटेड टू मी है रिलेटेड टू माई सेल्फ जो मतलब फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मैं कैसे परफॉर्म करूँ मैं कैसे बेटर हो जाऊँ बाकी सिलेक्शन वगैरह जो कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन सेलेक्ट नहीं हो रहा है वो अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं उससे आपका फोकस लूज़ होता है और उससे आपकी परफॉर्मेंस में जो हमारा यूथ है जो आपको देख कर इंस्पायर हुए बानी साहब आप इनका रोल मॉडल बन चुका है आप इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो यूथ को मैं हमेशा जब भी मैं कभी किसी जूनियर से या यूथ से बात करता हूं उनको मैं यही बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक प्लेयर के लिए हार्ड वर्क है आप किसी और चीज़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन सेलेक्ट नहीं हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ड वर्क एंड अपने आप पे सेल्फ बिलीफ आ, बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे आप नहीं कर सकते हैं आपसे नहीं होता है लेकिन वो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अपना हार्ड वर्क अपने पे सेल्फ़ बिलीफ वो सबसे इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए एंड स्पेशली जो करंटली प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए भी ये थे हमारे साथ अहमद उमर बॉन्डे जो जे में एक बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन के हैसियत से अपने आप को इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया तो दीजिए आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान काजी शफीक को रुखसत मिलते हैं अगले संडे किसी एक और प्रोमिनंट फिगर के साथ तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा अल्लाह निगेबान